YouTube के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए, दोस्तों आप तुरंत चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो सीधे हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे STD शिक्षक नियोजन से संबंधित। आप देख सकते हैं STD 2019 में चयनित उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में अभ्यर्थियों ने एक लेटर प्रेषित किया है शिक्षा मंत्री को। और STT 2019 देखिए विषय रखा गया है कि STT 2019 में चयनित उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो सुनिश्चित कराई जाए। शिक्षा मंत्री को ये लेटर जो है वो लिखा गया है और आप देख सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि 2019 में सरकार द्वारा जारी चयन सूची के अंतर्गत अभ्यर्थियों की देख सकते हैं 12 मार्च 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मीडिया के सामने ये बात रखी गई थी कि 24,000 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाइड हुए हैं। और जब RTI से पता चला अब तो अभ्यर्थियों के बारे में तो 80,000 अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में फिर से एक आक्रोश आया है। और कहा जा रहा है तो श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थियों पर दया दिखाते हुए न्याय के हित में अविलंब सभी चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापना सुनिश्चित कराएँ जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण जीवन प्रयत्न सपरिवार आपके आभारी होंगे। आदेश समस्त STT 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की यह मांग है। शिक्षा मंत्री से लेटर लिखा गया है कि जो 37,000 पद जो थे उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया और फ्रेश बहाली कराई जाए, यानी कि 2019 की न सातवीं चरण हो न अन्य कोई चरण बनाया जाए, कोई भी चरण ना बनाया जाए, STT को फ्रेश बहाली की जाए, ऐसी मांग जो है वो की जा रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करें दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जो केस है वो फाइल कर दिया गया है। आलोक कुमार दे सकते हैं एंड अदर्स द स्टेट ऑफ बिहार और दे सकते हैं विकास कुमार एडवोकेट और तमाम जो नाम है यहाँ पे फील्ड कर दिए गए हैं। तो अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं मेरिट नॉन मेरिट को लेकर जो था भाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने जो है वो केस फाइल कर दिया है। कहा है कि भाई मेरिट नॉन मेरिट एक समान नहीं। और देख सकते हैं दोस्तों कि ये आलोक श्रीवास्तव सर ने जो है वो केस फाइल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर मेरिट और नॉन मेरिट एक समान हो जाए तो भीड़ बढ़ जाएगी। 80,000 अभ्यर्थियों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें नियोजन और नियुक्ति की तो बहुत लंबा समय लगेगा। और आप देख सकते हैं तमाम बातें और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो STT है वो पटना हाई कोर्ट में फंसती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे तैयार किया गया है और इसमें साफ तौर पे ये बात जो है वो रखी गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं डेट भी पड़ी हुई है इसमें और कहीं ना कहीं अब ये पटना हाई कोर्ट में पहुँच चुका है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि फिजूल की योजनाओं को बंद करके वेतन का बंदोबस्त हो और सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नीतीश कुमार BST 2019 सीट दे सकते हैं इंक्रीज। अब दे सकते हैं है पुष्पम प्रिया जिन्होंने कि यहाँ पे एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। इधर दे सकते हैं आपके वादे के मुताबिक विजय कुमार चौधरी संजय दे सकते हैं सर हम सभी सफल अभ्यर्थियों का विलंब नियुक्ति कीजिए, ये STT अभ्यर्थियों की मांग है नीतीश कुमार जी से। और देख सकते तमाम जो भी लोग बड़े बड़े लोग हैं उनसे ये मांग की गई है कि उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। और देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक आज 9 बजे जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सारे डाउट्स क्लियर करने आ रहे हैं अपने ऑफिशियल चैनल पर, तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। और STT अभ्यर्थियों ने सभी को संदेश दिया है कि थोड़ा सा ध्यान दें, इन बिंदुओं पे थोड़ा फोकस करें। लिखा है मेरे प्रिय मैं हूँ ईमान इनाम, आज बात करने जा रहे हैं संसार के सबसे भ्रष्ट राज्य के बारे में जहाँ धांधली हम और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होती है। एक ऐसा राज्य जहाँ मुख्यमंत्री राज्य मंत्री सचिव इत्यादि सबकी सहमति पर सरकारी नौकरी शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। इसके नियम के अनुसार अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, परीक्षा ऑफलाइन होती है, कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद पता चलता है कि धांधली हुई है तो ये परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब कुछ समय महीनों बाद फिर यह परीक्षा सितंबर 2020 में ऑनलाइन होती है और परीक्षाफल 12 मार्च 2021 को कुल 12 विषयों का आता है और 3 विषयों का कुछ कारणवश नहीं आता है। तो शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहा जाता है कि सभी क्वालिफाई को यानी कि नौकरी दी जाएगी क्योंकि राज्य के सचिव महोदय कहते हैं कि सीट के अनुसार ही रिजल्ट जारी किया गया है और यह बात रिजल्ट निकालने से पहले भी सचिव महोदय ने कहा था
रिजल्ट उच्चतम मार्क्स से नियुक्ति मार्क्स की तरफ घटते क्रम में के अनुसार होगा और कोटिवार होगा। तो जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ और जब अभ्यर्थी पास हो कर गए तो अपने अपने घरों और मोहल्ले में मिठाइयाँ को बांटना, खुशी मनाना, जीवन अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया और नियुक्ति पत्र का इंतजार करने लगे कि अब तीन विषयों का रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब सरकार के द्वारा एक नया खेल शुरू होता है। इस तरह की बाकी तीन विषयों का रिजल्ट 21 जून को जारी किया गया। देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है कि भाई कैसे एसटीटी में बड़ी धांधली का और किस तरीके से गलत हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण लिखी है। क्वालिफाइड नॉट मेरिट क्वालिफाइड, इसका दो तरीका खेल शुरू हो जाता है इसमें। और देख सकते हैं आगे इसमें क्या चीज़ें हैं, एस टी 2011 में पास अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलने लगता है। देख सकते हैं तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई है और कहा गया है कि भाई दे सकते हैं ये साहब बैकडोर के अभ्यर्थियों से पैसा ले चुके हैं, इसलिए बार बार इस परीक्षा को पात्रता परीक्षा बोल रहे हैं। दे सकते हैं दोस्तों अब एसटीटी को उन्होंने पात्रता परीक्षा की है। इन्होंने ये भी लिखा है कि इसकी उम्र सीमा 36 वर्ष हो गई है तो कैसे अभ्यर्थी एसटीटी की लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर क्या करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बातें लिखी गई हैं। 10% अभ्यर्थी क्वालिफाइड वाले जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था कि इनको कॉल आया था कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करवाना है तो 80 से 90 हज़ार रुपया लगेगा, तो जिन लोगों ने दिया उनका नाम मेरिट में आ गया। दे सकते हैं यानी कि 30 हज़ार का 10%। देखिए उन्होंने पूरा डिटेल निकाला है कि इतना पैसा जो है 25 करोड़ 50 लाख रुपया लिया गया है सब अभ्यर्थियों से। दे सकते हैं दोस्तों इसी प्रकार 90% अभ्यर्थी फील्ड यानी जो क्वालिफाइड नहीं किए थे वाले उनको भी शामिल किया गया। आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से 90% जब इन्हें शामिल किया गया तो इतना करोड़ रुपया यानी कि 24 अरब 30 करोड़ रुपया फिर आया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरी धांधली का एक पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। हाल ये हो गया कि सरकार सारे एसटी 2011-19 पास अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाना चाहती है और किए गए अपने वादे के से मुकर रही है सरकार, लेकिन अगर सारे अभ्यर्थी आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होकर सिर्फ एक मांग करें कि हम सबको नियुक्ति चाहिए तो ज़रूर नियुक्ति मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है एसटीटी को लेकर। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक युवाओं को अब नौकरी दी जाए, बहुत नौटंकी हो चुकी है, सारे अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। अब भ्रष्टाचार मुक्ति का कारण कहा गया है कि भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए एसटीटी को और जल्द से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। तो चलिए दोस्तों अपडेट हम लाते रहेंगे, आप बने रहिए चैनल के माध्यम से। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।